होना चाहिए ना। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, उन्हें अपने हाथों से जो मस्जिद बनाए थे उसी मस्जिद को हम लोग देखने आए हैं। आप लोग भी देख लीजिए, ठीक, आप लोग भी देख लीजिए और सबको दिखा दीजिए। उसी ज़माने की सब देखिए है, यहाँ पे जितने भी चीज़ है सब उसी ज़माने की है। ये देखिए, ये सब ऊपर भी पत्थर है, ये ऊपर जो दो पत्थर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वही कोई यहूदी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका था, ये अंदर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह के रहम करम से वो नीचे आए ही नहीं। वो ऊपर जो दो पत्थर दिख रही बड़ी बड़ी वही पत्थर है। ये मस्जिद है, अंदर का सीन तो पहले ले ही चुके हैं। ये दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं हम लोग, हमारे सब हम लोग आए हैं देखने के लिए कि आए हैं तैफ में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बनाई हुई मस्जिद हम लोग आए हैं देखने के लिए। और इधर ही रहता था ना तैफ में, इधर ही रहते थे हुजूर साहब, इधर रहता था, तबले इधर करता था। ले थोड़ा सा तू बना, चलो है, चलो है, वीडियो चालू है, आगे से पीछे से ना। स्टॉप करेंगे बाद में, ऊपर ऊपर फिर बनाओ। चलो बाहर का भी लेते हैं, इसका भी ले लो, तस्वीर ले लो, इसका भी ले लिया। चलो सही है, नहीं है सही। ऊपर चले, किधर से रास्ता है? चलो तब वहाँ से अजान डालते थे क्या? वहाँ से वो अजान डालने वाली चीज़ बनाई गई है। आओ मोहम्मद, ये सब बाहर रोड है, सड़क है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग तो मान लीजिए हाथ देख लिए। आप इधर से है ना? आप लोग भी देख लीजिएगा, यही पत्थर है मेरे का, वही दोनों पत्थर है ना, काफ़र उसके ऊपर फेंक रहे हैं। इस पत्थर को बोलते हैं देखिए, आज से कितने वर्षों बाद ये चीज़ अभी तक पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ का हुकूमत, यहाँ का निज़ाम कोई मरम्मत नहीं करवाया है इस मस्जिद की। ये देखिए सब, ये सब देखिए उसी ज़माने के सब मकाने हैं पत्थर से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे। ये शायद वही मकान है जो बुढ़िया फेंक रही थी कूड़ा कचरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये वो शायद यही मकान है। ये सब ये सब देखिए उसी ज़माने के सब मकाने हैं, सब गिर चुके हैं और ये सब दीवारें बची हैं।
चलना। एकदम पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए यही तक लास्ट दीवार है, ये उसी जमाने की दीवार दी हुई है। एक पत्थर है इसके नीचे, दो नहीं है। दो है नहीं, एक है, एक पत्थर है, दूसरा से मिला हुआ है, एक पत्थर है। वो छोटा वाला है बड़ा वाला? बड़ा वाला है, लेकिन वो छोटा वाला पत्थर जो उसके नीचे है उसी पे खड़ा हुआ है पत्थर। उसी पे खड़ा हुआ है? हाँ, छोटे पत्थर पे। सब अल्लाह की शान है। ये कौन सा पत्थर? ये बड़ा वाला पत्थर नहीं है। हाँ, नीचे छोटा पत्थर है ना। हाँ, इसी पे खड़ा हुआ है। ये हट जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा, ये पत्थर जो है ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो काफर है ना, वो फेंक रहे थे यहूदी। फिर अल्लाह के तरफ से हुक्म आया इस पत्थर को, फिर ये उधर ही रुक गया है, इस छोटे पत्थर के ऊपर ही बस खड़ा हुआ है। ये मस्जिद रसूल है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद रसूल। ये तैफ में लास्ट एरिया में है, पहाड़ी इलाका में है। अब तू तेरे साथ खड़ा नहीं, निकाल हमारे साथ निकाल तुझे। देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, ये सब पुरानी बिल्डिंग है, ये पता नहीं किस जमाने की है, ये तो नहीं मालूम है। चले कबीर, चला जाए, इसका भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है ना। कब बज गया टाइम देखो, हम तो ले रहे हैं ना, निरवाक दे दो ना। कभी दामा निकाल, कभी दामा। अरे तुम्हारा 75 निकल गया, कितना फोटो निकलवाओगे? यहाँ फोटो खिंचवाने आए हो? ये वही मकान है शायद, ये जो पुराना मकान आप देख रहे हैं गिरा हुआ, यही शायद वो बुढ़िया का मकान है। इधर से वो कचरा फेंकती थी उनके सर के ऊपर, वो नीचे अपना बैठते थे। वो नीचे जो मस्जिद बनी हुई है वो उसी ज़माने की मस्जिद है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से बनाए हैं वो मस्जिद।